जब कोई मुजरा करती है लाइक सही वो वहाँ पे नहीं यूज होती। ओ हो ये कैमरा है जी सर, ये कैमरा है। अच्छा साइमा जी फिल्म स्टार साइमा जी सर, ए लाइट ऑन दे तो वजदी तो ताई चिट्टी नजर आंदी सर, ऐसे ही है मतलब। अच्छा ए जेड़ा रेड़ा जे पे है की है ये सर? जिमी जिप का है। क्या है? जिमी जिप। अच्छा तंबूत के ताबूत को देखो, इस तरह की कोई चीज आ पियां ने देखो। नरगस ने लाइट यूज की थी जी सर, उन पे भी लाइट यूज है। मैं चुम लवा इस लाइट नु। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम गुलदार टोटला रिपोर्टर। आज परेशान कर दूंगा, हैरान कर दूंगा, आप भी क्या याद करेंगे। आप लोग फिल्में बड़े मज़े से देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, सिनेमे पर देखते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता वो फिल्में बनती कैसे हैं, उनके पीछे क्या होता है, चीज़ें कौन से इस्तेमाल होती हैं और कौन से कैमरे से फिल्म स्टार सैमा पाकिस्तानी कौन से कैमरे ने उसको कैट किया था, शान ने कौन सा सीन कैसे किस कैमरे से लिया था, उस टाइम लाइट कौन सी यूज़ हुई थी, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि नरगस जब डांस करती तो कौन सा कैमरा या कौन सी लाइट क्या होता है, सारा कुछ आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। मैं आज हूँ बाड़ी स्टूडियो, लाहौर की बड़ा मशहूर वो स्टूडियो जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। वहाँ के कमरा है जिसमें वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो इसका जो मालिक है, जो इसको चलाता है या सेल करता है या इसको वो किराए पे देता है, भाई जन आसे भाई क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक। इस बक्से च अपने कपड़े तो नहीं रखे हुए? नहीं सर, ये लाइट्स हैं। पक्की बात है जी सर? वेखा जी अपने मशहूक दे कपड़े ना पाए। ये देखें सर, लाइट्स हैं, बॉक्सेस में लाइट्स हैं। अच्छा एडियां वडियां वडियां लाइटां, अल्लाह माफ करे जी सर, वो ये इतनी बड़ी लाइट है ये तो मुझसे उठाई नहीं जाए, इन की बनाते हो की किथे लांदे सर? ये लाइट्स जो है अपना एक तो लोकेशन को दिखाने के लिए यूज की जाती है और दूसरा कैरेक्टर को जो है ना वो वाजिया करने के लिए। अच्छा साइमा जी फिल्म स्टार साइमा जी सर, ए लाइट ऑन दे तो वजदी तो ताई चिट्टी नजर आंदी सर, ऐसे ही है मतलब। दालमों कुड़ियाँ जड़ियाँ बिच बड़ियाँ सोहनी सोहनी नजर आदि ने, एडियाँ चिट्टियाँ चिट्टियाँ एडियाँ वड़ियाँ वड़ियाँ लाइटा। अच्छा असर भी ये सारी लाइटें ही पड़ी हैं जी सर? ये लाइट्स हैं सारी। इनियाँ लाइटा क्यों रखी ने? एक अद्धी लाइट ना नहीं सड़ता? नहीं सर, एक लाइट से नहीं, एक दो लाइट से नहीं, ये कम से कम 40-50 लाइट जो है वो चाहिए होती है। ना करें जी सर, यार एक सीन चल रहे छोटी से बड़ी लाइट्स जो है ना ये चाहिए होती हैं। कोई करेक्टर के करेक्टर को लगी है, कोई लोकेशन में लगी है, मतलब इस तरह से करके प्रॉप्स को जो है ना वो दिखाने के लिए हर चीज़ को लाइट करना पड़ता है। अच्छा बिल्कुल, लाइक मैं मेरा अगर शूट ले रहे हैं तो मेरे जो पीछे चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको भी लाइट्स करनी पड़ती है? जी सर, उनको भी लाइट्स करना पड़ता है। अच्छा तकरीबन कितनी लाइट्स कह रहे हैं एक शूट पर लगती हैं? ये कम अज़ कम 30-40 जो है ना वो चाहिए होती हैं। 30-40 बंदे भी फिर पीछे एंगेज होंगे? वो सर हर सेट पर जो है वो कम अज़ कम नॉर्मल शूट के लिए 60-70 लोग होते हैं। 60-70 लोग होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ए कूलर कूलर जेड़े पे ने कूल। अच्छा ये ना आप इधर थले करिए, ओए कैमरामैन थले कर की अगर मेरे ललका भाई जान, आप लोग इजी नहीं लेंगे। जब सूट होता है तो वहाँ पे पानी भी रखा जाता है, पीछे बड़ी मेहनत होती है, पसीनों पसीन लोग हो रहे होते हैं, भूख भी लगी होती है, फिर भी शूटिंग कर रहे होते हैं। अस भाई मैं सही कह रहा हूँ? जी सर ऐसे ही है। तो इसीलिए फिर ये अच्छा कूलर भी आप लोगों ने ये रखा, आप दिखा भाई जान देख। अच्छा वो टोकरी जो पड़ी है ये वाली डस्टबिन है? ये डस्टबिन, ये किस लिए? अच्छा अच्छा डस्ट बिच पांदे हो? कोई भी कपड़े हिरवन उतारती है तो इसमें डाल देते हैं? नहीं सर ऐसे नहीं होता, वो अपने लेके आती हैं बैग उसमें जाते हैं। अच्छा हम कुछ चीजें देखेंगे, इधर है आज भाई ये जो चीज पड़ी है ये क्या? ये सर फाइबर 5K टंगस्टन लाइट है। केड़ी 5K टंगस्टन? 5000 वाट ये लाइट है जो कि हम लोग लाइट शूटिंग पे यूज करते हैं। चिल इतनी बड़ी लाइट, ये तो ये जब चलती है तो गर्मी नहीं छोड़ती सर? बहुत ज़्यादा होती है हीट इसकी, तो फिर इसके सामने जो आगे वो तो वो क्या कहते हैं दाने की तरह भुज जाएगा? नहीं नहीं सर इस तरह भी नहीं, इतना भी नहीं होता। अच्छा ये देखें अभी ये आपके सामने लाइट इधर है, मैक्सी ब्रांड, ये 9K है, 9000 वाट। पीछे जो है ये 12K ये वाली? हाँ जी 12000 वाट की है। अच्छा ये इसको लगी 9 लाइट्स, उसको भी 9 लगी हुई है? उसको 12 लगी हुई है। अच्छा ये रेड़ा जेब है? क्या है? जिमी जिप। अच्छा ये सर इसके ऊपर हम लोग कैमरा लगा के ऊपर से शॉट लेते हैं। अच्छा मतलब जो 90 डिग्री से शॉट लेना हो तो मतलब हम लोग रिमोट से कैमरा मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए ये नीचे जिप इसके ऑटोमेटिकली चलता है। हाँ जी। वाह 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 बड़ी गल। अच्छा इधर एक चीज़ पई थोड़ा जी पिछे वास पई, इधर वेखो ना जिम्मे वो नहीं होंगे जिंद मुर्दा पाई दे
ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬੂਤ ਕਿ ਤਾਬੂਤ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਕਾਈ ਪੈਨਲ ਔਰ ਕਿਨੋ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਰ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਕਾਮ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਮੇ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰੋਂ ਕਾ ਸਟੋਰ ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗਾਂ ਜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਦੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਬੜੀ ਲਾਈਟਸ ਕੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਨਕੇ ਨੌਲੇਜ ਮੇ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਟਸ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਰਗਸ ਨੇ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ मजाक कर रहा हूँ शुगर लगा रहा हूँ ये क्या पड़ा हुआ है ये सर टेबल है क्या है टेबल है मतलब हम लोग जब चेयर रखते हैं तो उनके आगे टेबल जब रेस्ट करनी हो ब्रेक हो तो चेयर भी पड़ी होती है खाना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आप रेंट पे देते हैं शूट के लिए कि आप खुद पे रेंट पे दिए जाते हैं नहीं लाइट सर ये देखें जैसे अपर्चर पे आई है ये देखें ये लाइट गॉड मैं समझा केक कटे पे ने ये देखिए ये क्या है ये सर लाइट्स हैं ये भी लाइट्स हैं जी ये हमारे ये जब डांस होता है ये देखिए सर वो जो पूछ रहा हूँ जब कोई मुजरा करती है लाइट सर ये वहाँ पे नहीं यूज होती ये सर लेटेस्ट चीज है ये अभी नई नई आना स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में तो ये मतलब कैमरामैन जब यूज़ करेंगे तब उन्हें आइडिया होगा ये क्या चीज़ है अब पाकिस्तान में यूज़ नहीं हुई चीज़ नहीं हो रही है मतलब अभी बहुत कम है, कम है। बहुत कम लोगों के पास है जी तो नाज़रीन वो कैमरा आ गया जिसने बड़े बड़े स्टारों को बड़ा बना दिया बल्कि छोटे स्टारों को बड़ा स्टार बना दिया जो उसमें क्या कहते हैं उसको जिससे शूट हुआ जी वो कैमरा आपको दिखाने लगे यार है तो मैं लग रहा है जिम्मे कोई तोप नहीं होती हो ये कैमरा है जी सर ये कैमरा है ब्लैक मैजिक उर्सा मिनी प्रो 4.6 के इसकी एक्सेसरी है मतलब कंप्लीट जैसे के असेंबल करके हम लोग कैमरा शूट के लिए अच्छा एक तो हम जो है मीडिया वाले ना मैं लाइक मैं हूँ तो मैं जानता हूँ कि यार 4 के कैमरा जो है ना कमाल का होता है उसका रिजल्ट जो है ना बड़ा अच्छा होता है तो ये 4K है या 4K से भी अगली कोई क्वालिटी ये 4K से अगली क्वालिटी है 4K 0.6K जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ 4.6K कमाल और ये एक कैमरा नहीं है इस तरह के और भी ये सबसे अच्छा कैमरा है या इससे भी अच्छे कैमरे हैं मार्केट में आप रेड ड्रैगन देख लें रेड हीलियम देख लें वो 8K तक जाते हैं नहीं आपके पास मेरे पास इस टाइम पे यही है अच्छा कैमरा अच्छा 4.6 चलो बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन आप लोगों ने देखा सारी एक्सेसरीज उधर भी आपको दिखाई ये कैमरा एक ये पड़ा हुआ है उधर भी कैमरे पड़े हुए और भी लाइट्स पड़ी हुई हैं स्टैंड भी दिखाए कूलर पता नहीं क्या कुछ आपको दिखाया बड़ी अजीबो गरीब लाइट्स मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी उम्मीद है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी होंगी फिल्में सिर्फ आप लोग देखते थे तो उम्मीद है आप लोगों की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी वैसे एक बात तो रह गई आसिफ भाई जी जी बाहर स्टूडियो में फिर रहा हूँ माजरत कैमरा मैन साहब क्या हालात है आखिरी सवाल है मैंने यो तो कर लिया बाहर स्टूडियो के क्या हालात सब बारी स्टूडियो इस टाइम पे वो खसारे में चल रहा है मतलब ज़्यादा वो नहीं रहा आवाम जिस तरह से आती काम थी नहीं काम नहीं है मतलब प्रोड्यूसर नहीं रहे काम हो नहीं रहा फिल्में नहीं बन रही ड्रामे नहीं बन कोई रहे। तो किस तरह गुजारा हो रहा है सर इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया है इस फील्ड के लोगों के लिए बेसिकली मार रहा है तो मतलब मजदूर पिस रहा है महंगाई में आपका गुजारा हो रहा है सर बहुत मुश्किल हो चुका है बहरहाल हम मैं जो हूँ मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और अपील कर सकता हूँ हुकूमत से कि ये जो फनकार हैं या पीछे कैमरे के पीछे खड़े होकर जो काम करते हैं इनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए कुछ ना कुछ फिल्म्स बननी चाहिए हुकूमत सपोर्ट करे जैसे तुर्की में अर्तुगरुल ड्रामा बनाया तो सारी सपोर्ट जो है हुकूमत ने की है पाकिस्तान के जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री से जो मुंसलिक हैं उनकी भी हुकूमत को चाहिए कि इनकी हेल्प करें अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़